कन्नौज पुलिस ने एक हत्या के मामले में नामजद आरोपी को अवैध निराश्रित मानते हुए इस मामले में संबंधित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 28 अक्टूबर को वह बेचरा माओ थाना अंतर्गत में प्रेम कोट चौकी के क्षेत्र में से मनोज गुप्ता की हत्या हो गई थी और वह उसी का आज खुलासा हुआ है। इस मामले में हत्या आरोपी श्रीवास्तव का पति मनोज गुप्ता की पत्नी से अवैध संबंध बन गए थे और वह पुलिस अधीक्षक के लिए अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि हत्या आरोपी श्रीवास्तव है और जो कि बेबर का रहने वाला है और वह शिव प्रताप सिंह के बेबर का ही रहने वाला है और दोनों में से वह प्लानिंग करके उसकी हत्या कर दी थी और वह वजह यह है कि वह जो मतिरक है मनोज वह पहले नौकट एक जेल में बंद हुआ था और वह उसकी सजा हो गई थी और वह जब वह जेल में था वह उसकी पत्नी से वह जेल में मिलाई करने के दौरान श्रीवास्तव की दोस्ती उसकी पत्नी के साथ हो गई थी और बाद में फिर उसकी पत्नी ने श्रीवास्तव के साथ शादी की। चौकी थाना छिबरामऊ में एक फौजी ढाबा है, वहाँ पर 28/10 को एक मनोज गुप्ता नामक जो ढाबा संचालक है उसके छोटे भाई की हत्या हो गई थी। आज उसी हत्या का खुलासा हुआ है और इसमें छिबरामऊ थाना अध्यक्ष और उनके साथ हमारी सर्विलांस और स्वाट टीम इन लोगों ने दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और इस केस का खुलासा किया है। इसमें जो एक्यूज्ड पकड़े गए हैं वो एक रिंकू श्रीवास्तव है जो बेवर का रहने वाला है और विश्व प्रताप सिंह भी बेवर थाने का रहने वाला है। इन दोनों ने प्लानिंग करके उसकी हत्या की थी। वजह ये थी कि जो मृतक है मनोज वो पहले नारकोटिक्स में बंद हुआ था और उसको सजा हो गई थी। जब जेल में था तो उसकी पत्नी से मिलाई करने के दौरान रिंकू की दोस्ती उसकी पत्नी से हो गया था और बाद में फिर उसकी पत्नी रिंकू श्रीवास्तव के साथ चली गई और उसके साथ कुछ समय वहाँ पे रही, उससे एक बच्चा भी हुआ उसको। और बाद में जब मनोज गुप्ता छूट करके आया तो फिर उसने कहा कि हमारी पत्नी को वापस करो, तो उसकी पत्नी तो मनोज के पास आ गई थी लेकिन रिंकू गुप्ता का संबंध बना हुआ था और इसी वजह से दोनों में रंजिश थी और ये धमकी भी देता था मनोज गुप्ता कि तुम हमारी पत्नी से बातचीत करना छोड़ दो। चूँकि रिंकू श्रीवास्तव जो है इसकी पत्नी का देहांत हो चुका है इसलिए ये बीच बीच में बात करता रहता था और डरा भी रहता था और इसी रंजिश की वजह से ये अपने एक साथी विश्वजीत विश्व प्रताप की मदद से साथ साथ आया और इसने आकर के मनोज गुप्ता की हत्या कर दी। इसमें जो प्रारंभिक जब विवेचना शुरू हुई और जो FIR आई थी तो उसमें जो ढाबा संचालक है उसने एक फौजी है ex-army जिसका ढाबा था जिसके किराए में मतलब मालिक है वो तो उस पर शक जाहिर किया था और नामजद किया था लेकिन विवेचना से वो निर्दोष पाया गया है और जो सही कल्प्रिट थे वो हमारी विवेचना से प्रकाश में लाए आए और फिर उनके विरुद्ध उनकी गिरफ्तारी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए